पटवारी संघ ने लगाया आरोप, तहसीलदार के नोटिस के बाद पटवारी की हार्ट अटैक से हुई मौत। पटवारी संघ ने जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए दिया एक दिन का अल्टीमेटम। जीरन तहसील के एक पटवारी की बीती रात अचानक हार्ट अटैक आ जाने के चलते मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक पटवारी को तहसीलदार ने एक नोटिस जारी किया था, जिसके बाद से ही मृतक पटवारी की तबीयत बिगड़ने लगी और उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में एक तरफ जहां तहसीलदार पर कार्रवाई को लेकर पटवारी संघ ने एक दिन का समय दिया है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ममता खेड़े का कहना है कि जिन लोगों की प्रगति कम थी उन सभी को नोटिस भेजे गए थे, यह व्यक्ति विशेष पर की गई कार्रवाई नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले में गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पर एक लंबी मीटिंग भी बंद कमरे में हुई है। दरअसल यह मामला जीरन के चीताखेड़ा क्षेत्र के पटवारी बहादुर सिंह डाबी की अचानक हुई मौत के बाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक पटवारी पर पूर्व में भी विभागीय कार्रवाई की गई थी। वहीं कल भी देर शाम उसके मोबाइल पर जीरन तहसीलदार ने एक नोटिस भेजा था, जिसमें उसे कृषि संगणना कार्य शत प्रतिशत पूरा न करने पर कारण बताओ सूचना पत्र भेजा गया। साथ ही वेतन वृद्धि रोके जाने की कार्रवाई के बारे में भी लिखा गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और जांच में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पटवारी संघ जिला अध्यक्ष के मुताबिक अगर एक दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पटवारी अपना बस्ता जमा कर हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं पटवारियों से हुई मीटिंग के बाद SDM डॉक्टर ममता खेड़े ने इसे आंतरिक मामला बताया और उन्होंने कहा हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी जेन्युइन सहायता है वो की जाएगी। पूरा ये करने का काम पटवारियों के मध्य ही चलता रहता है। जितनी भी योजना है राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन पटवारी के माध्यम से फील्ड में किया जाता है। सारी योजनाओं में एक साथ प्रगति को लेकर सभी पटवारियों को बार बार टारगेट के रूप में कार्य दिए जा रहे हैं और टारगेट के रूप में कार्य पूरा नहीं होने पर तहसीलदार SDM वगैरह की चेन जारी करके पटवारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल तहसीलदार जीरन श्री पांडे जी द्वारा एक SCN जारी कर पटवारी को रात को 10 बजे व्हाट्सएप किया गया। जब व्हाट्सएप किया उस समय वो पटवारी जी भोजन कर रहे थे, वो भोजन से उठ गए, थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उनको मल्हारगढ़ चिकित्सालय लाए जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब पे कार्रवाई को लेके और कल तक का समय दिया है। अगर कल तक उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो जिले के समस्त पटवारी बस्ता जमा करके हड़ताल पर चले जाएंगे। पटवारी साथी थे बहादुर सिंह डाबी जो कुंचड़ोद में पदस्थ थे जीरन तहसील में। सीमांकन को लेकर राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करके जो राजस्व निरीक्षक सीमांकन करते थे वो अधिकार पटवारियों को दे दिए। अधिकार दिए हम भी मानते हैं, अधिकार दिए हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो एक उच्च वेतनमान वाले जो व्यक्ति काम करता था उसका काम पटवारियों से लिया जा रहा है, तो खाली काम नहीं ले उसके बदले हमको वेतन भी दे, इसी मांग को लेकर हमारा वो आंदोलन चल रहा है जिसके लिए हम सीमांकन से विरत थे पिछले एक महीने से। देखिए सूचना पत्र और ये सब विभागीय प्रक्रिया है, जब हमारा जो स्टैंडर्ड प्रदर्शन है उससे नीचे कोई चीज़ें लंबित रहती है तो किसी पटवारी को इंटेंशनली पर्सनली नहीं दिया गया था। जिन लोग की प्रगति कम थी उनको सबको सूचना पत्र दिया गया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे एक साथी की मौत रात में हुई, उनको हृदयघात से मृत्यु हुई थी। भाई देखिए काम सबको करना रहता है और एक गति से काम होता है, तो ये सब हम लोग के विभागीय और आंतरिक मामले हैं। हम लोगों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे की समस्याओं को हल करके काम को आगे ले जाते हैं। डेफिनेटली एक्सग्रेशिया शासन की तरफ से होता है, पटवारी संगठन और हम लोग जो राजस्व के लोग हैं वो लोग जो भी उनको जेन्युइन सहायता है वो लोग करेंगे।